Hey guys, welcome back to Drog Baba and welcome back to another video. I hope all of you are doing well. और दोस्तों आज बात करेंगे Copa America final की, Brazil versus Argentina. एक short preview और हम बात करेंगे कि दोनों teams का अभी तक का run कैसा रहा है, दोनों team की strengths क्या है, weaknesses क्या है और मुझे क्या लगता है कि ये final कौन जीतेगा. तो दोस्तों बात करें अगर Brazil से, तो Brazil are defending champions. 2019 में भी जो Copa America हुआ था वो उन्होंने जीता था. इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड दोस्तों ब्राज़ील के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हर पोजीशन के लिए. अगर आप लास्ट उनका सेमीफाइनल देखें तो लुकास पाकिएता को स्टार्ट कराया गया था सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में, और रॉबर्टो फर्मिनो जो अक्सर वहाँ खेलते हैं उनकी जगह, गैब्रियल जीसस को रेड कार्ड मिला हुआ है और वो अपहेल्ड हो गया दोस्तों. जो चिली के अगेंस्ट उनको रेड कार्ड मिला था तो अब वो फाइनल में नहीं खेल पाएंगे, एलिजिबल नहीं है वो वायलेंट कंडक्ट की वजह से. तो एवर्टन, रिचार्लिसन, लुकास पाकिएता या फर्मिनो और नेमार ऑब्वियसली हैं लेफ्ट विंग पे. तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं ब्राज़ील के पास. बट दोस्तों जो स्ट्रेंथ रही है ब्राज़ील की इस टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से वो उनका डिफेंस रहा है. बहुत ज़्यादा सॉलिड लगते हैं डिफेंसिवली. हमने देखा दोस्तों शुरू के कुछ मैचेस में एदर मिलिताओ खेले थे मार्किनियोस के साथ, बट उसके बाद हमने देखा कि जैसे थियागो सिल्वा फुल फ्लो में आए तो उनकी वापस से पार्टनरशिप जो हमने पीएसजी में कई साल से देखी है, मार्किनियोस और थियागो सिल्वा की कई साल तक पीएसजी में पार्टनरशिप थी है, तो काफ़ी सॉलिड. रेनान लोदी और डैनिलो काफ़ी अच्छे फुलबैक्स दोस्तों, काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं सेंटर बैक्स को. और अगर दोस्तों हम गोलकीपर की बात करें तो हमने देखा है कि लास्ट के दो मैचेस में एडरसन ने रिप्लेस किया एलिसन को, और वही दोस्तों लग्जरी है एक टीटे के पास कि वो अपना चेंज करते रहते हैं. उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और अभी हम मुझे यही लग रहा है कि फाइनल में एडरसन स्टार्ट करेंगे. मेन जो ब्राज़ील का लिंच पिन रहा है दोस्तों कासेमिरो फ्रेट का मिडफील्ड पार्टनरशिप, जो डबल पिवट है, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे से स्क्रीन करते हैं अपने सेंटर बैक्स को, इसलिए डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रही है ब्राज़ील की टीम इस कोपा अमेरिका में. और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ दो गोल कंसीड किए हैं ब्राज़ील ने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका बैलेंस स्क्वाड दोस्तों. बात करें दोस्तों अर्जेंटीना की, तो नाम आता है सबसे पहले लियोनल मेसी का. अब दिस इज़ द प्राइस दैट यू पे फॉर बीइंग लियोनल मेसी. लियोनल मेसी आप हैं तो आपके साथ एक प्रेशर भी आता है, एक एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं. यू आर सपोज टू विन एवरी गेम, यू आर सपोज टू विन एवरी टूर्नामेंट, वेदर बीट बार्सिलोना और अर्जेंटीना. तो अर्जेंटीना में दोस्तों उनका साथ ये रहा है कि जब भी वो अर्जेंटीना की जितनी भी स्क्वाड्स में वो खेले हैं कभी भी वो स्क्वाड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं रहा है. कहीं ना कहीं टॉप हैवी रहता ही है अर्जेंटीना का स्क्वाड अगर आप देखें तो. अटैकर्स अभी भी आप अर्जेंटीना के अटैकर्स देखें तो ये तो खुद मेसी, मार्टिनेस, अलिहान्द्रो गोमेस, डी मरिया, आनहेल कोरिया, डिबाला तो कैर लेके ही नहीं गए हैं ये तो, सर्जियो अग्वेरो. काफ़ी अच्छा, मतलब आप देखेंगे अटैकिंग डेप्थ काफ़ी बहुत ज़्यादा है. पर दोस्तों जहां तक मैं डिफेंस की बात करूं तो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग डिफेंस नहीं है, उतनी क्वालिटी डेप्थ है नहीं दोस्तों अर्जेंटीना के डिफेंस में. पिज़ेला और ऑटोमेंडी का रहा है सेंटर बैक पार्टनरशिप, जो कि मैं कहूँगा दोस्तों दोनों ही अपने प्राइम में नहीं है, कहीं ना कहीं 30 से अबव दोनों की एज. और बट हैट्स ऑफ टू एमी मार्टिनेस, शानदार गोल कीपिंग, और उनकी वजह से पेनल्टी शूटआउट जीता कोलंबिया के अगेंस्ट अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना का बहुत अच्छे से सेटअप हो जाता है दोस्तों ये फाइनल. तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ्स, ऑप्शंस और बैलेंस की बात करें तो दोस्तों आई थिंक ब्राज़ील हैव द एज. ब्राज़ील की कहीं ना कहीं स्क्वाड बेटर, उनके पास एक्सपीरियंस है वो बिग मैचेस प्लेयर्स का. आप उनका स्क्वाड देखें अगर ब्राज़ील का, तो दे हैव मोर प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन टॉप लीग्स रादर देन अर्जेंटीना. ब्राज़ील के जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं अगर उनका आप स्टार्टिंग 11 देखेंगे तो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में कहीं ना कहीं खेल रहे हैं उनके सारे प्लेयर्स. ऐसा केस अर्जेंटीना के साथ नहीं है, बट ऑन हिज डे और ऑन मोस्ट ऑफ द डेज आप इस कोपा अमेरिका में अगर अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, तो 5 मैचेस में 4 मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं लियोनल मेसी. ही हैज़ बीन इजीली द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, मोस्ट गोल्स, मोस्ट असिस्ट अभी तक. क्या उनको रोकना आसान होगा ब्राज़ील के लिए? बिल्कुल नहीं. मेसी को रोकना दोस्तों किसी के लिए भी आसान नहीं है, बट यहीं पे ही एक बात आती है, बट दोस्तों दिस इज़ द प्राइस यू पे फॉर बीइंग लियोनल मेसी. जैसा मैं शुरू में बोल रहा था दोस्तों, प्रेशर दोस्तों अनडाउटेडली अर्जेंटीना पे ज़्यादा होगा. 28 साल से उन्होंने कोई कोपा अमेरिका टूर्नामेंट नहीं जीता. 28 साल से दोस्तों अर्जेंटीना के फैंस तरस रहे हैं कोपा अमेरिका ट्रॉफी के लिए, और आई थिंक दिस माइट बी देयर ईयर. हम कह सकते हैं कि लियोनल मेसी का मे बी लास्ट अटेम्प्ट एट कोपा अमेरिका ट्रॉफी. वी डोंट नो कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो खेलेंगे या नहीं. उनकी जो क्लब फुटबॉल की सिचुएशन है वो भी अभी काफ़ी डाउट में है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे. लेकिन मुझे ये लगता है दोस्तों कि शायद ये एक मोमेंट हो सकता है लियोनल मेसी के लिए, बिकॉज दिस इज़ द लीस्ट दैट ही डिजर्व्स. ही हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट वंडरफुल एम्बेसडर ऑफ द गेम, शानदार प्लेयर, गॉड गिफ्टेड लियोनल मेसी,
एंड इट वुड बी फिटिंग दैट ही विंस एटलीस्ट वन इंटरनेशनल टूर्नामेंट एंड ही इज द वन हु एंड्स द ड्राउट फॉर अर्जेंटीना. बट ये तो हो गई इमोशनल बात दोस्तों. तो प्रैक्टिकल बात की जाए तो ब्राज़ील का स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा डीप, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ ब्राज़ील के स्क्वाड में. आई वॉन्ट अर्जेंटीना टू विन बट दोस्तों आई थिंक ब्राज़ील आर द बेटर टीम एंड वी कैन सी ब्राज़ील लिफ्ट देयर कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका टाइटल. तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है. फाइनल इज ऑन संडे 5:30 AM इन द मॉर्निंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो वील कैच द फाइनल. थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा संडे को, बट वर्थ वॉचिंग दैट फाइनल अर्जेंटीना वर्सेज ब्राज़ील. तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है. कल मैं आपको मिलूंगा विद द प्रीव्यू ऑफ यूरो 2020 फाइनल विच विल बी बिटवीन इटली एंड इंग्लैंड. उसकी बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बात करेंगे जो भी डेवलपमेंट्स हुए ट्रांसफर मार्केट में. जीरू टू एसी मिलान इज कन्फर्म. रामोस का अनाउंसमेंट हो गया है टू PSG, तो वो सारी बातें भी हम करेंगे दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिलीज, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.